एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी, वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। तो बच्चों, यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में हम बताने वाले हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसा कि मैंने आपको अप्रॉक्स बता दिया था कि 10,000 तक की अभी भी सीट्स कुछ अवेलेबल हैं, तो मैं आपको यहाँ पे जो डाटा था उस टाइम का तो वो मैंने बताया था। अभी जिस हिसाब से विड्रॉल के मैसेजेस और जिस हिसाब से जो सीनियर से जो मैंने बोला कि सीनियर से वहाँ बात होकर के जो मुझे पता चलता है उसके मद्देनजर रखते हुए मैं बोलूँ तो यहाँ पे अभी 12,000 to 13,000 सीट्स अवेलेबल हैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो जैसा ही कोई आगे नोटिस आएगा हम आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन देंगे। फिलहाल के लिए हम बोल रहे हैं आपको कि यहाँ पे जितने बच्चों ने मिड एंट्री करी है उन सारे बच्चों को, प्लस जो बच्चों का अपग्रेड होने के बाद सोच रहे हैं कि उनका अपग्रेड हो जाएगा 11 में, तो ये भी पॉसिबल है। मिड एंट्री वाले बच्चों को भी कहीं ना कहीं चांस बन सकता है। और कहीं ना कहीं जो ये सीट्स अवेलेबल है ना, ये मैं आपको एक बार क्लियर कर देना चाह रही हूँ, ये नॉर्थ कैंपस में अवेलेबल नहीं है। ऑलमोस्ट जो सीट्स अवेलेबल है वो साउथ कैंपस की अवेलेबल है। नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस मतलब ऑफ कैंपस की अवेलेबल है, नॉर्थ कैंपस की सीट्स अवेलेबल नहीं है। ये चीज मुझे क्लियर करना था तो मैंने सोचा ये चीज मैं आपको बता दूं। ये चीज आप बिल्कुल मत सोच के बैठना कि हाँ अभी नॉर्थ कैंपस की सीट्स हैं हमारे पास, नहीं, साउथ कैंपस की सीट्स अवेलेबल हैं। तो बच्चे बहुत सारे मैसेजेस कर रहे थे तो मैंने सोचा आप तक ये नोटिस पहुंचा देती हूं। इन केस आपको कोई डाउट कोई कंफ्यूजन रहता है आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको एक एक चीज रिप्लाई कर दूंगी। बस आपको इतना करना है कि अगर आपको ये टेंशन हो रही है कि मैम क्या होने वाला है, कल 11 तारीख है, क्या होने वाला है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप कुछ नहीं, पेशेंस बना के बैठे रहो, हम आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक एक चीज अपडेट दे दूंगी। माना कि अभी मैं थोड़ा उस हिसाब से रेगुलर नहीं रह पा रही हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे मतलब कुछ भी मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूंगी। इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं आप तक तुरंत तुरंत पहुंचाऊंगी, उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लो। फिलहाल के लिए यहाँ पे सीट्स अभी अवेलेबल हैं तो थोड़ा सा निश्चिंत हो जाओ। आज बहुत सारे बच्चों को नींद नहीं आएगी क्योंकि कल यहाँ पे सीट्स का रिजल्ट आने वाला है, ECA का सेकेंड राउंड आने वाला है, प्लस यहाँ पे आपका यहाँ पे थर्ड राउंड आने वाला है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लो, मैं हूं यहाँ पे, आप सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको एक एक अपडेट दे दूंगी। और बच्चों, स्कॉलरशिप का जब भी ऐसा लगेगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे स्कॉलरशिप का नोटिस आया हुआ है, स्कॉलरशिप का नोटिस विद इन टाइम आपको हम दे देंगे कि आराम से भर सकते हो, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह बनवा सकते हो, उसकी टेंशन मत लो, हम आपको सब कुछ बता देंगे। बस उसके लिए अपडेटेड रहना, यूनिवर्सिटी का जब भी आएगा हम आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। प्लस नेक्स्ट वीडियो BBAU पे रहने वाला है, उसको जरा सा देख लेना, बहुत सारे बच्चे उस चीज को लेकर कंफ्यूज है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, हम आपको एक एक चीज क्लियर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।